देश में बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े, मगर हुड्डा साहब खड़े रहे आपके लिए, आपके आशीर्वाद के लिए हम खड़े रहे, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, और आज भी आ रहे हैं। 10 साल के बाद अपना काम नहीं बता रहे। केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, प्रधानमंत्री जी आए थे, सारे दिल्ली के गुजरात से बड़े बड़े लीडर आए थे, अपना 10 साल का लेखा जोखा नहीं बताते, केवल हुड्डा साहब पे निशाना साध के। तो जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब फैसले की घड़ी आए तो अपने घर की तरफ, पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है और ये हमारे घर की तरफ देख रहे हैं, ये जो गुजरात से जो लोग आ रहे हैं भाई, इनके आगे हमारे घर में हमारी कण बनना टकन दिए भाई, इनके आपको कहना हमारी हमारी, जब ये रिपोर्ट आए कि मेहम की सीट किसके खाते में जाएगी, जब ये मैच से बात आए ये मैम की सीट किसके खाते में जाएगी, तो डंके की चोट पे उस दिन 8 तारीख को फ्लैश होना चाहिए, उस फ्लैग और फ्लैश दिल्ली और गुजरात तक पहुंचना चाहिए कि मैम की सीट दीपेंद्र हुड्डा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और भाई बलराम के पक्ष में गई, बड़ा फ्लैश होना चाहिए, ये फ्लैश होना चाहिए, ये फ्लैश होना चाहिए। एक एक वोट जो मेरे भाई बलराम को जाएगी, वही एक एक वोट दीपेंद्र को बनाएगी। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, एक एक वोट जो भाई बलराम को जाएगी, वही एक एक वोट हुड्डा की सरकार लेके आएगी 10 दिन के बाद, ही मैं आपको कहना चाहता हूं। एक और भाई, जो जो साथी है मेरा, कोई मेरे से सहानुभूति रखता है तो भाई वो एक एक वोट भाई बलराम को हाथ के निशान पर आप और दीपेंद्र की झोली में एक एक वोट डालने का आप काम कर रहे हैं। ये लड़ाई 10 साल तक बहुत लड़ाई करी हमने, 10 साल तक इनके साथ बहुत संघर्ष किया आपके बच्चों ने। भाई मैम मैम में ज्यादा जिताओगे या जुलाना में ज्यादा जिताओगे, ये काम कर देना आप ये काम कर देना मेरा, मैम से साथ दे देना आप, और बड़ी जीत आप मैम से करा देना।